का दोस्तों हमारे जिसका भी थोड़ा हम बात करने वाले हैं इस स्मार्ट वॉच के बारे में। लेट्स सी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों ये वॉच वैसे तो इसकी प्राइस 4000 रुपये है, लेकिन अगर आप इसको कोई सेल में खरीदोगे या फिर कोई फेस्टिवल होगा तब खरीदोगे तो आपको 3500 तक मिल सकती है। और दोस्तों इस घड़ी की मेन बात यह है कि इसमें हार्ट रेट सेंसर तो है लेकिन उसी के साथ साथ SPO2 सेंसर भी है। तो दोस्तों SPO2 सेंसर क्या होता है? SPO2 सेंसर आपकी बॉडी में कितने परसेंट ऑक्सीजन है उसको मेजर करता है, जो कि इस कोविड के सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन है या नहीं है। और अगर हमें कोरोना हो गया, हमारे ऑक्सीजन के लेवल कम हो गया, तो हमें वॉच से ही पता चल सकता है। दोस्तों इसीलिए आज के ज़माने में ये SPO2 सेंसर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन दोस्तों इस रेंज में जो भी और भी जो घड़ियाँ आती है, Amazfit की आती है, नॉइस की आती है, उन सभी वॉच में आपको SPO2 नहीं मिलता है, सिर्फ हार्ट रेट मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको SPO2 भी मिलता है और हार्ट रेट भी मिलता है। दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ भी आराम से 20 से 25 दिन तक चलती है। और इस वॉच को मैं पिछले 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इसकी बैटरी बहुत ही बढ़िया काम करती है। और दोस्तों इसी के अंदर 14 स्पोर्ट्स मोड है, जिसके अंदर क्रिकेट, योगा, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब गेम्स भी शामिल है। और इसमें आप पानी पीने का रिमाइंडर डाल सकते हो, अपने कितने स्टेप्स चले वो तो काउंट करेगी, ऑफ कोर्स कितनी कैलोरीज बर्न करी आपको ये भी काउंट करेगी। दोस्तों ऑल इन ऑल ये वैल्यू फॉर मनी है इस वॉच के लिए। तो रियलमी की वॉचेस का नाम है रियलमी वॉच। और दोस्तों ये 3500-4000 के रुपये मिलती है, लेकिन दोस्तों मैं तो बोलता हूँ अगर 4000 में भी लेते हो ना तो बहुत ही बढ़िया डील मिलेगी आपको। रियलमी लिंक ऐप भी मिलेगी आपके फ़ोन के अंदर, जहाँ से आप इसके 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा अपनी घड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आपका फ़ोटो रखना है या फिर कोई भी फ़ोटो रखना है अपनी गैलरी में ऐसा, तो उसको भी आप वॉच फेस बना सकते हो। और दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ ये कहती है कि हम इस प्राइस रेंज में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कोई काम नहीं है, वो वैसे भी बैटरी ड्रेन करता रहता है। अभी हम पूरा टाइम तो घड़ी देखते नहीं रहते, लेकिन दोस्तों इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन हम जब भी अपने रिस्ट को ऐसे ऊपर करते हैं तो अपने आप ये घड़ी ऑन हो जाती है। तो दोस्तों जैसे भी जब भी हमको टाइम देखना है, हमें सिर्फ ये करना है तो घड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होगी और आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए मत जाइए, ये बेस्ट घड़ी है अगर आपको चाहिए तो 3000-4000 के रेंज में। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।